हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं अब्दुल रहमान दिल्ली हेयर फिक्सिंग से आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और हमारा आज जो ये वीडियो बनाने का टॉपिक है वो हेयर क्लिपिंग पैच को लेकर है। और हेयर क्लिपिंग पैच आज हम लगाने वाले हैं गौरव भाई के। हमारे पास आज गौरव भाई आए हैं और हम आज आपको उनसे मिलाने वाले भी हैं। उनका आगे का हेयर लाइन जा चुका है, काफी टेंशन में थे वो और मुझे कॉल कर रहा था कि अब्दुल रहमान भाई मेरे को कोई भी स्टाइल मिल सकता है, एक नेचुरल लुक मिल सकता है। तो आज इस उम्मीद से है तो हम उनसे बात करते हैं कि मतलब उनको कैसा फील हो रहा है यहाँ आके। हेलो गौरव सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है भाई। और यहाँ पे आने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं हुई। मैं यहाँ आके आज से मेट्रो तक आया जी, और वहाँ से जैसे आपने बताया था चलते आ गया, बस में पहुँच गया। तो ये आके आश्रम मेट्रो स्टेशन तक आए, वहाँ से नियर बाई मतलब थोड़ा सा 30 मीटर का रास्ता है हमारा दिल्ली हेयर फिक्सिंग सेंटर का। तो अभी सर ने मुझे ये भी बोला था एक नेचुरल स्टाइल चाहिए। आप देख सकते हैं कि सर का हेयर फॉल पूरा एकदम हेयर लाइन जा चुकी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे आज पूरा ये वीडियो बनाने वाले हैं। आज इनको हम हेयर क्लिपिंग पैच बनाएंगे और जिसमें कि कोई भी इनका भी एक भी हम रूट्स नहीं लेंगे, जो सेम एरिया है वो सेम एरिया इनका पूरा रहेगा। उसके अकॉर्डिंग हम इनको हेयर पैच लगाएंगे और बिल्कुल नेचुरल हेयर देंगे, तो जो इनका कॉन्फिडेंस लो है वो हाई हो जाएगा। तो सर बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं। मैं काफ़ी दिन से जो है इनके वीडियो YouTube पे देख रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था। मैं असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हुआ तो मैंने इनसे बात की कि भाई मैं दो तीन कुछ दिनों में ज्वाइनिंग आने वाली है तो मुझे वैसा लुक चाहिए कि मैं वहाँ जाऊँ तो बाल मेरे अगर काट दिए जाए तो मैं जो है उस पैच को यूज़ कर सकूँ, कि कहीं छुट्टी में कभी आया घर या कहीं जो है घूमने फिरने जा रहा हूँ तो उसको यूज़ कर सकूँ। मैं जब यहाँ आया तो भाई ने जो है बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मुझे समझाई डिटेल में, जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद मैं जो है अब पैच लगवाने जा रहा हूँ। अब देखते होप सब की कुछ अच्छा रहे, सब भाई के हाथों में। अब तो YouTube फैमिली, पहले तो हम मुबारकबाद देना चाहेंगे अपने गौरव भाई को कि हमारे कमांडो इंचार्ज बनने वाले हैं। ठीक है, कमांडो के इंचार्ज बनने वाले हैं और अभी हम इनका एक अच्छा सा एक स्टाइल आप सबके सामने लेंगे। तो हम मिलते हैं और चलते हैं वीडियो के साथ। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब अभी आपने हेयर पैच लगाया, जो एरिया आपका जो हेयर फॉल वाला हो चुका था उसी हेयर फॉल वाले एरिया पे आपको हमने पैच लगाया, तो अभी आपको कंफर्ट महसूस हो रहा है या अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है? कंफर्टेबल। अभी आपको कंफर्ट महसूस हो रहा है? तो अभी जो आपने हेयर पैच लगाया अपने बालों के ऊपर तो आपको इससे कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कोई परेशानी। तो प्लीज आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि मतलब आप दिखाना चाहेंगे एक बार इसको निकाल के कि मतलब किस तरह से आपको जो एरिया पहला था वो आपका होगा? देखिए गाइस कि अभी भी हमारे सर का एरिया आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम सेम है और अभी इन्होंने सर पे से हेयर क्लिपिंग उतारा है। तो कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, सब ये जो है काफ़ी अच्छा है, एक नया ही लुक मिला है मुझे, थैंक्स टू भाई। ओके सर, थैंक यू।